हैं डार्क फाइल्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1998, वो दिन मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मेरे साथ ये घटना घटी। उस समय मेरी नौकरी लगने के कारण मेरा सारा परिवार गांव छोड़कर आ गया था। हालांकि गांव छोड़ने का उस समय किसी का भी मन नहीं था, मगर उस समय हमारे घर की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण हमारा एकमात्र सहारा मेरी नई नौकरी थी। खैर, हमारे शहर में आए कई महीने गुजर गए और अब धीरे धीरे हमारी आर्थिक हालत भी सुधरने लगी। तभी एक दिन सुबह सुबह जब मैं चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि तभी एक डाकिया मेरे लिए एक चिट्ठी लेकर आया। वो चिट्ठी मेरे ही गांव से मेरे लिए आई थी। डाकिये से पता करने पर पता चला कि वो चिट्ठी गांव में मेरे बचपन के दोस्त अमर ने भेजी है। तो मैं फटाफट चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, प्रिय मित्र गोलू, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ सहायता मांग रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तुम मना नहीं करोगे। दरअसल काफ़ी दिनों से मैं परेशान हूँ और मेरी परेशानी कुछ ऐसी है कि मैं तुझे छोड़कर और किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे अलावा और कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। तो तू जल्दी से एक बार मेरे लिए गांव आ जा, बाकी बात गांव आने के बाद बताऊंगा। और हाँ, जल्दी आना, तेरा प्रिय दोस्त अमर। उस चिट्ठी को पढ़कर मैं सोच रहा था कि आखिर अमर को हुआ तो हुआ क्या, जिसके बाद मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई और तय किया कि आज ऑफिस जाकर मैं बॉस से 2-3 दिन की छुट्टी लूँगा, फिर अपने गांव जाकर अमर से मिलकर आऊँगा। सारी बात तय करने के बाद मैं ऑफिस गया और बॉस से छुट्टी मांगी। तो काफ़ी दिनों से छुट्टी ना लेने के कारण बॉस ने भी मुझे छुट्टी दे दी, जिसके बाद मैं अगले दिन सारी तैयारी करके दोपहर वाली बस पकड़कर गांव चलता बना। मेरे यहाँ से मेरा गांव करीब 5 घंटे का सफ़र था, तो ठीक रात के 9 बजे तक मैं अपने गांव के बस स्टॉप पर पहुँच जाऊँगा। देखते ही देखते आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7 बजे का। ठंड का मौसम होने के कारण रात के 7 बजे ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काफ़ी रात हो चुकी है। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा था। करीब और 2 घंटे बस में बिताने के बाद रात के 9 बजे मैं गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो बस स्टॉप पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक मुझे ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई बस। भला तो हो इस बात का कि मेरे गांव का घर बस स्टॉप से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं ज़्यादा ना सोचकर सीधे अपने घर की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी कि बहुत रात, ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर मुझे घने कोहरे के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय मेरे गांव के लोग काफ़ी जल्दी सो जाया करते थे। पूरे वीरान रास्ते पर खुद को अकेला पाकर मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। इसका एक और कारण ये भी था कि बस स्टॉप से जो रास्ता मेरे घर की तरफ जाता था वो दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, तो जंगली जानवर मुझे अकेला पाकर मुझ पर हमला न कर दे, इसलिए भी मैं काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। रास्ते पर चलते हुए मुझे बार बार जंगलों से शियारों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उन आवाज़ को सुनकर मेरे पैर एकदम से कांपने लग जा रहे थे। खैर, किसी तरह चलकर मैं अपने गांव पहुंचा तो गांव के चौपाल पर पहुंचते ही मैंने देखा कि एक औरत गांव के चौपाल पर लगे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उस औरत को इस तरह इतनी रात गए इतने ठंड में बाहर बैठा देख मैं थोड़ा हैरान हुआ।
कि आखिर ये औरत इतनी रात गए बाहर क्या कर रही है। हालांकि मैं गांव के सभी लोगों को पहचानता था, तो मैं चलकर उस औरत के करीब गया। तो उस औरत के थोड़ा करीब आते ही मैंने देखा कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि हेमा मासी है। हेमा मासी मेरे ही गांव के एक और दोस्त मोहन की माँ है। तो मैंने हेमा मासी से कहा, क्या बात है मासी, आप इतनी रात को इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं? मेरे इतना बोलते ही मासी कोई जवाब ना देकर बस रोने लगी। तो उनको रोता देख मैं और भी ज्यादा चौंक गया। मुझे लगा कि शायद उनके घर में लड़ाई हुई होगी। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा, मौसी घर पर लड़ाई हुई है क्या? मगर मेरे इस प्रयास का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मौसी ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मैं सीधे मोहन के घर गया और उसके बंद दरवाजे को खटखटाने लगा। दो तीन बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद मोहन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। तो मुझे इतनी रात गई यहाँ देखकर वो जितना हैरान हुआ उससे ज़्यादा खुश भी हुआ और मुझसे कहा, अरे गोलू तू कब आया? इस पर मैंने कहा, अभी आया हूँ, मगर तू बता हेमा मौसी रात को बाहर बैठकर रो क्यों रही है? मेरे इतना बोलते ही मानो मोहन के चेहरे के तोते उड़ गए। कुछ देर तो वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखता रहा, फिर मुझसे बोला, क्या बोल रहा है तू, चल तो कहाँ पर है मेरी माँ? जिसके बाद हम दोनों चलकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। तो वहां पहुंचते ही मैं चौंक गया क्योंकि वहां अब कोई भी नहीं था। जिस पर मैंने मोहन से कहा, अरे अभी तो यहीं पर थी, कहाँ गई मौसी? मेरे इतना बोलते ही मोहन गुस्से में मुझसे बोला, यह क्या बोल रहा है तू, तू मेरे साथ घर चल, सब बताता हूँ। जिसके बाद हम दोनों चलकर मोहन के घर गए। तो घर पहुंचते ही मोहन ने बताना शुरू किया, कुछ महीनों पहले माँ शाम के वक्त उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी अचानक पेड़ का एक डाल टूटकर उनके ऊपर गिर गया। डाल काफी बड़ी होने के कारण उसी वक्त उनकी मौत हो गई। मोहन के मुंह से ये सुनकर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया कि भला वो हेमा मौसी नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी। और भला तो इस बात का कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना सब हो जाने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं आज रात अकेले अपने घर पर रुक सकूं, जिस कारण मैंने अभी के अभी ही अमर के घर जाने का फैसला किया और जिसके बाद मैं अमर के घर की तरफ चलता बना। अमर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा पीटा। तो मेरे एक बार दरवाज़ा पीटते ही अमर के पिताजी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, मानो वो पहले से ही किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हों। खैर उन्होंने मुझे देखकर घर के अंदर बुलाया और मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इन्हें हुआ तो हुआ क्या। इस पर मैंने उनसे कहा, क्या बात है चाचा, अमर कहाँ है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा अमर 2 दिनों से लापता है, मैंने कई जगहों पर छानबीन की मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा। चाचा के मुंह से ये सुनकर एकदम से मेरे होश उड़ गए और मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे तो कल ही अमर की चिट्ठी मिली थी और उसने मुझे यहाँ बुलाते हुए लिखा था कि वो किसी मुसीबत में है, मगर क्या मुसीबत उसने बताया नहीं था। खैर कुछ भी हो, कल हम जाकर पंचायत से मदद मांगेंगे। काफ़ी समझाने के बाद मैंने चाचा को उनके कमरे में सोने भेजा और खुद अमर के कमरे में सोने चला गया। काफ़ी थक जाने के कारण बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर काफ़ी ठंड लगने के कारण मेरी आँख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि उस कमरे में मैं अकेला नहीं था बल्कि मेरे बिस्तर के बगल में अमर खड़ा था जो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। इस तरह अमर को देखकर
मैं जितना खुश हुआ उससे कई ज्यादा हैरान कि भला मैं दरवाजा अंदर से बंद करके सो रहा था तो अमर कमरे के अंदर आया तो आया कैसे। जिस पर मैंने अमर से कहा, अरे तू तो 2 दिनों से कहाँ था और कमरे में कैसे आया। इस पर अमर ने कहा, वो सब छोड़ तू चल मेरे साथ। जिसके बाद अमर मुझे घर के पीछे की तरफ ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कुछ दूर चलने के बाद अमर एक जगह पर रुक गया, उसके साथ ही साथ मैं भी रुका। जिसके बाद अमर ने मुझे उंगली का इशारा करके देखने को कहा। मैंने जब उस तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां जमीन पर अमर की आधी सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, अमर ने ही कहा, आज से 2 दिन पहले मैं इसी रास्ते से काम से घर लौट रहा था, तभी रास्ते के किनारे जंगलों से जंगली जानवरों ने निकलकर मुझ पर हमला कर दिया और मुझे नोचकर मार डाला। ये बात तू मेरे पिताजी को बता देना और मेरे इस लाश का देह संस्कार कर देना, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। इतना बोलकर अमर वहां से गायब हो गया। जिसके बाद मैंने घर जाकर अमर के पिताजी को सारी बात बता दी और अमर का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद फिर से मुझे अमर की आत्मा कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।